हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं डीवीएस लैब के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 21 नवंबर 2023 के लिए। चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स से दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले डीवीएस लैब में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आज के दिन स्टॉक में हमें देखने मिला है 2% का पॉजिटिव मूवमेंट। 3672.95 पे हमें क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मूवमेंट आने वाली है, उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका यहाँ पे कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है, जरूर जो हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं वनडे के चार्ट में, बात करते हैं सबसे पहले आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वनडे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से ज्यादा हमें वॉल्यूम जरूर देखने मिल रहा है। कैंडल यहाँ पे स्मॉल टू मीडियम साइज की बॉडी बनी है, ऊपर के साइड में बहुत ही बड़ी और नीचे के साइड में बारीक सी विक हमें देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ यहाँ पे हमारे आरएसआई की, आरएसआई हमारा आ चुका है 65-66 के आसपास, जो हमें यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव मोमेंट का इशारा देता है। लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं, उसे भी कंसिडर करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आरएसआई इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन जरूर एक नेगेटिव मूव का एक्सपेक्टेड डाउनसाइड मूव हमें अराउंड 3621 के आसपास देखने मिले, और उसको भी क्रॉस करते हैं इजी मूव हमें जो है वो 3570 तक आते हुए देखने मिल सकती है। बाकी स्टॉक में यहाँ पे ट्रेंड जो है वो अभी भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए वन आर के चार्ट में बात करते हैं कल के दिन क्या देखने मिलने वाला। तो यहाँ पे वन आर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, कुछ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस भी यहाँ पे मार्क है, तो फिलहाल कोई मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। जूम करके मैं बात करता हूँ क्लोजिंग की। बाकी यहाँ पे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी क्या अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। क्लोजिंग की यहाँ पे मैं बात करूँ तो 3673 पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 3671 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 3686 का। याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज़ समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट आपको दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनता है आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। तो डायरेक्ट सपोर्ट क्या, अगला सपोर्ट आता है 3653 का, उसके बाद क्या 3632 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 3700 का, उसके बाद 3712 का। यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं जरूर जब उसी को कंसीडर में रखते हैं अपना यहाँ पे कल के दिन का ट्रेड ले। मेरा ओपिनियन स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहा जरूर एक पॉजिटिव क्लोजिंग का है, लेकिन यहाँ पे बड़ा कोई ज्यादा मूव में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे 3686 से लेकर 3700 के रेंज में मेरी क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशन। बाकी अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो स्टॉक फिर जो है नो ट्रेडिंग जोन में एक पॉजिटिव क्लोजिंग हमें दे सकता है। ओवरऑल एक पॉजिटिव क्लोजिंग जरूर मैं कल के दिन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है कल के दिन हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।